स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम फोर्स की बात करेंगे। फोर्स क्या होता है, इसके डिफिनेशन को समझेंगे, साथ ही इसकी जो करेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन, इसको समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो फोर्स क्या है, इसको आप हाई स्कूल से ही, है ना, स्कूल लेवल से ही इसको समझ रहे होंगे। फोर्स क्या है इसके डिफिनेशन को भी देखते होंगे, फिर भी आज हम बात करेंगे कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स कुछ भी नहीं, पुश और पुल ही आपका फोर्स है। जब कोई बॉडी रखा हुआ है तो आप उसमें क्या करते हैं, या तो उसको पुश करते हैं या उसको पुल करते हैं, और भी कुछ करते हैं क्या? और यही दोनों की वजह से उसमें ना बहुत सारे चेंज देखने को मिलते हैं। इसका स्टेट चेंज हो जाएगा या फिर ये डिफॉर्म हो जाएगा। मतलब स्टेट चेंज हो गया, मतलब अगर ये बॉल है, जब आप उसको फोर्स लगाएंगे ना, जब उसको पुल करेंगे, आप धक्का देंगे, तो उसमें क्या होगा कि रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, चलने लगेगा वो, है ना। जब चल रहा है तो उसको आप फोर्स लगाकर अगर आप उसको रोक देते हैं तो मोशन से आपका रेस्ट में आ गया, ठीक है। और रिटार्डेशन होता है, एक जब वो चल रहा है ना, मोशन में है, लेकिन जब आप उसकी स्पीड को कम कर देंगे तो होता है रिटार्डेशन। तो स्टेट चेंज करने का मतलब यही है, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, मोशन से रिटार्डेशन, है ना। जब गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं आप, गाड़ी जब चल रही है तो उस इंजन के द्वारा आपके गाड़ी पर फोर्स लगाया जाता है, ठीक है। तो आपकी गाड़ी बढ़ती है, पहले गाड़ी रेस्ट में होती है, जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं मोशन में आ जाती है, और फिर ब्रेक अप्लाई करके उस मोशन से आप उसको रेस्ट में ले आते हैं, ठीक है ना। और जब मोशन कर रही होती है तो आप उसकी स्पीड को कम करके आप उसमें रिटार्डेशन ला देते हैं, उस डीएसीलरेशन भी आप उसको बोल सकते हैं। यही है स्टेट का चेंज करने का मतलब। डिफॉर्मेशन क्या है, डिफॉर्मेशन कुछ नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट के, किसी बॉडी के फोर्स अप्लाई करके, किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करके उसके शेप और साइज को चेंज कर देना डिफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो फोर्स को आप डिफाइन कैसे करेंगे, तो फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंसी है, या किसी बॉडी पर एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है, तो इसे आप एक्सटर्नल एजेंसी ही बोल सकते हैं। तो फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो क्या करता है, किसी बॉडी के स्टेट में चेंज ला देगा, चाहे बॉडी कैसा भी क्यों ना हो, ठीक है ना, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड, गैस, कोई सा ही बॉडी हो, उसमें वो चेंज लाएगा फोर्स, और डिफॉर्मेशन भी लाता है किसी बॉडी में। तो क्या इस डिफिनेशन पूरा है, ठीक है, ये डिफिनेशन पूरा है कि फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंसी है, वह किसी बॉडी के स्टेट में चेंज लाता है और डिफॉर्मेशन लाता है, ठीक है। लेकिन हम इंजीनियर हैं, इतना सही काम नहीं चलेगा। अगर हम कोई डिजाइन तैयार करते हैं तो वहाँ पर फोर्स तो लगेगा, है ना। फोर्स जब लगेगा तो इस डिफरेंस से ही काम नहीं चलेगा। केवल हमें कुछ और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फोर्स के बारे में, ताकि हम एक फोर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, अच्छे से एनालिसिस कर सकें और एक प्रॉपर डिजाइन तैयार कर सकें, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको चार चीज़ें चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन। ये चार चीज़ें इसकी करेक्टरिस्टिक है। कोई सा ही फोर्स हो, चाहे उसका छोटा हो, बड़ा हो, है ना, किसका भी हो, पुल नेचर का हो या पुश नेचर का हो, ये चार चीज़ें हर फोर्स में, अगर फोर्स है तो ये चार चीज़ें आपको मिलेगी ही मिलेंगी। इसलिए यह फोर्स की करेक्टरिस्टिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करने के लिए फोर्स को। और अगर आप ये चार चीज़ें अगर जानते हैं तो आप फोर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अच्छा फोर्स ये है, एक इंजीनियर की तरह आप उसको बता पाएंगे। ये सभी ये बताती हैं कि किसी बॉडी पर अगर फोर्स लगा है तो कितना लगा है, कहाँ लगा है और किस तरफ लगा है, यानी उसका डायरेक्शन क्या है। ये सभी चीज़ें ये बताती है, जो डिजाइन पर्पज़ के लिए, और हम इंजीनियर हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी डाटा की वजह से हम प्रॉपर डिजाइन तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चार चीजें क्या होती हैं, इसको हम अभी समझते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो फोर्स होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, और इसमें एक तरफ, दोनों में से किसी एक तरफ आप एक एरो बना दीजिए। इस तरह से हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, देखिए मान लीजिए कि आप व्हाट्सएप चलाते होंगे या फिर कोई भी सोशल मीडिया, तो इसमें क्या होता है, आप अपने एक्सप्रेशन को, है ना, अपने फीलिंग्स को बताने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग इमोजी का यूज करते हैं। अगर आप हैप्पी हैं तो आप इस तरह से कुछ
स्माइल वाली इमोजी बना देते हैं, है ना। अगर आप थोड़े सैड फील कर रहे हैं तो आप कुछ अलग तरह की इमोजी बना देते हैं। तो अलग अलग तरह के इमोजी है जो आपके एक्सप्रेशन को बताता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि आप क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से जो फोर्स होता है, लग रहा है, हमें पता है कि किस बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम पेपर पर, है ना, ताकि कोई दूसरा बंदा भी आकर स्टडी कर पाए। इसके लिए हम फोर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हम बताते हैं, जिसमें हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और एरो बता देते हैं, है ना। अब ये एरो किस तरह होना चाहिए ये डिपेंड करता है। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि इस तरह से हम एक तीर की तरह बनाते हैं, फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, फोर्स का जो यूनिट होता है, एस आई आपका न्यूटन होता है, एम के एस आपका केजीए होता है, और सी जी एस आपका डाइन होता है। जो भी आपका करेक्टरिस्टिक है फोर्स की, वो है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखिए मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है, यह अमाउंट है जो ये बता रहा है कि फोर्स किसी बॉडी पर फोर्स कितना लगा। जैसे अगर कोई गेंद है, इस गेंद पर आप फोर्स लगाएंगे, जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसमें कुछ हरकत होगा, लेकिन कितना फोर्स लगा, उसका अमाउंट कितना था, कम था, ज़्यादा था, है ना, कितना था, ये है मैग्नीट्यूड। इसमें क्या होता है, इस मैग्नीट्यूड में आपका यूनिट होता है, कोई सा भी यूनिट आप ले लीजिए, ये यूनिट होता है, और एक डिजिट होता है ना, 2, 5, 4, 6, 9, 10, इस तरह से डिजिट होता है, ये मैग्नीट्यूड है जो ये बता रहा है कि फोर्स आखिर लगा तक लगा कितना। जैसे आप सामान खरीदते हैं तो क्या करते हैं, 2 kg, 5 kg, 10 kg, ऐसे सामान खरीदते हैं, तो ये मास का मैग्नीट्यूड है। इसमें केजी क्या है, इसका यूनिट है, और ये दो क्या है, कोई नंबर है, कोई डिजिट है। ठीक उसी तरह से फोर्स में भी होता है। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन आपका ये बताता है कि ये जो फोर्स है वो लगा कैसे। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जब आप ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन किस तरफ लग रहा है, यानी एक्स वाई इस डायरेक्शन में लग रहा है, या फिर इस डायरेक्शन में लग रहा है, या इस डायरेक्शन में लग रहा है, या फिर इस डायरेक्शन में लग रहा है, या फिर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो साउथ की तरफ फोर्स लग रहा है, या फिर नॉर्थ की तरफ लग रहा है, या यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पर लग रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लग रहा है, ये इसका डायरेक्शन है कि आखिर लग किधर रहा है फोर्स, तो ये डायरेक्शन है फोर्स का। ठीक है ना, उसके बाद है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। आप बोलेंगे साउथ नॉर्थ मतलब, यानी किसी बॉडी पर फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है कि इस तरफ है कि इस तरफ है, है ना, या किसी ये एंगल पर लग रहा है इस तरह से, ये बताता है कि डायरेक्शन क्या है फोर्स का। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ठीक उसी तरह से है, मान लीजिए कि बॉल है, तो बॉल में आप कहाँ पर लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यह पूरी मेरी एक बुक है, मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं फोर्स लगा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊँ, तो ये पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर एक्चुअल में फोर्स लग रहा है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है। तो एक पॉइंट होता है ना, जिसकी पर फोर्स आपका लगता है, या फोर्स जिससे फोर्स आपका पास होता है ना बॉडी पर। ये बॉल है, इस पॉइंट पर आपका फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पर आपका फोर्स लग रहा है, तो यही होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किसी बॉडी पर किस पॉइंट में किस जगह पर फोर्स आपका लगा है, वही है ये। उसके बाद होता है आपका लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है ना, ये हो गया। लाइन ऑफ एक्शन कुछ नहीं है, यह एक लाइन है, नाम से क्लियर है कि कोई लाइन होगा, जो आपका फोर्स होता है कि जो एरो बना हुआ है, जो सीधा, जो ये स्ट्रेट लाइन है, इससे आप आगे तक बढ़ाएंगे तो ये जो आप आगे बढ़ाए हैं ना, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, और इसी लाइन ऑफ एक्शन पर आपका फोर्स लग रहा है। मान लीजिए कि यह कोई लाइन है और इसी पर यह फोर्स लगे, इसी लाइन के अलोंग लगे, इसी लाइन के अलोंग, है ना, इसी लाइन के अलोंग आपका फोर्स लगे, तो वह आपका लाइन ऑफ एक्शन, यानी जिस लाइन पर आपका फोर्स लग रहा होगा वह आपका लाइन ऑफ एक्शन। जब हम इसको पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई बॉडी है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो आप बोलेंगे इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या था, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से था, इस तरह से इसका लाइन ऑफ एक्शन था। अब यह फोर्स यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, फोर्स तो ऐसा ही लगता है ना कि यहाँ पर मारेंगे तो उसका इफेक्ट मिलेगा, तो केवल यहाँ इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका इफेक्ट यहाँ भी पड़ेगा, है ना। तो ये लाइन ऑफ एक्शन होता है।
और आप चाहते हैं कि इस फोर्स को उठाकर मैं यहाँ पर रख दूँ तो आप रख सकते हैं, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन इसका चेंज नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर दूसरा फोर्स लग रहा होगा तो इसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। अब इस फोर्स को आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन वही होना चाहिए, वहाँ से पोजिशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये बातें थी फोर्स के बारे में, आई होप आपको समझ आ गई होगी, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। अब वीडियो कैसी थी, समझ आई या नहीं, इसको भी आप जरूर बताइए। ठीक है, ओके, बाय।